हनुमान टेकरी पर लगने वाले मेले की व्यवस्था देखी गई। साथ ही वाहनों की पार्किंग एवं निकासी की व्यवस्था को भी जायजा लिया, जिसमें बड़े वाहन हाईवे के से आना जाना होगा, वहीं दोपहिया वाहनों नई सड़क से आएंगे, जिसके रास्ते में ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो सके। जयंती को लेके पूरे फोर्स के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम सर ने भी यहाँ भ्रमण किया था, और उसके बाद जो निर्देश दिए उसी के पालन में यहाँ व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। सबसे पहले तो जो शहर से आने वाले दर्शनार्थी होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो बैजू चौराहे से गोयल भवन तक आएंगे। गोयल भवन के बाद हम ट्रैफिक का डाइवर्सन वहीं से बनाएंगे। गोयल भवन से जिसको मंदिर की तरफ आना है वो सोनी कॉलोनी और चौधरन कॉलोनी होता हुआ और अपना मरगढ़शाला तिराहे से मंदिर की तरफ आएंगे। मरगढ़शाला तिराहे से बैजू चौराहा और छिंगा चौराहे तरफ ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। जिसको भी आना है अपना घूम के चौधरन कॉलोनी से घूम के दर्शन के लिए आएंगे। और सर जो फोर व्हीलर को लेकर क्या रूट बनाया गया है सर? फोर व्हीलर और टू व्हीलर का रूट सेम रहेगा, जो भी शहर से आ रहे हैं वो उसी रास्ते से आएंगे। गोयल भवन से चौधरन कॉलोनी होते हुए मरगढ़शाला तिराहा और उसके बाद टेकरी मंदिर तरफ आएंगे। तो सर जो ब्रिज के नीचे से एंट्री बंद हो जाएगी? नहीं, ब्रिज के नीचे से जो सर्विस रोड, दोनों साइड पर जो सर्विस रोड डली हुई वहाँ पर आमतौर पर ट्रैक्टरों का ज़्यादा आना जाना होता है, तो ट्रैक्टर और जो व्हीकल आएंगे पुल के ऊपर से भी जो पहुँच मार्ग है उससे भी वाहन अंदर आएंगे। लेकिन वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पुल के बगल में ही जो खेत पड़े हुए हैं उनमें वाहनों की व्यवस्था कर दी है। इस पुल के बाद से कोई भी वाहन अंदर नहीं जाएगा। पुल के दोनों साइड्स पर जो खेत बने हुए हैं उसी में पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई, तो दोनों टू व्हीलर और फोर व्हीलर पार्किंग वहीं कराई जाएगी।